नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। औरैया जिले से सेवानिवृत्त होने वाले आरटीओ अशोक कुमार को विदाई समारोह आयोजित कर माल्यार्पण कर विदाई दी गई, जिसमें आरटीओ सुधीर कुमार तिवारी सहित आधा दर्जन कर्मचारी ने विदाई दी। इस दौरान आरटीओ सुधीर तिवारी ने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले को हमेशा प्रशंसा मिलती है। अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों ने इसी क्रम में औरैया में आरआई साहब व सभी स्कूलों के कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक के साथ प्रधान सहायक वाहन मानक को माल्यार्पण कर पहनाई विदाई कार्यक्रम माना गया। विनोद कुमार बौद्ध पगड़ी पहनकर व समाज सेवक साथियों ने पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र सहित कई तरह के उपहार भेंट कर सम्मानित किया। एआरटीओ ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विभाग को अपनी कार्यशैली से आगे बढ़ाएं और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य भी तेजी से किया करें, क्योंकि अच्छे कार्य करने वालों को हमेशा प्रशंसा मिलती है और यह जनपद की मिट्टी को वह कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी लोगों ने जो प्यार मिला वो जीवन के लिए ऐसा लगा एक परिवार बिछड़ रहा हो। इस जनपद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान विदाई समारोह में ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट संगठन के प्रदेश मीडिया सलाहकार सोमपाल गौतम, पत्रकार प्रदेश प्रभारी गौ योगेंद्र प्रताप, पत्रकार राघवेंद्र कुमार गौतम, पत्रकार सुभाष चंद्र राणा, पत्रकार कुमारी सुभाष चंद्र राणा, पत्रकार कुमारी खुशबू चौधरी, पत्रकार अमर उजाला, सौरभ गुप्ता, पत्रकार हरिओम तिवारी, पत्रकार विकास अवस्थी, पत्रकार माल्यार्पण कर सप्रेम भेंट सम्मानित कर दी गई सहित कई लोग अन्य मौजूद। मेरा खून बहाया कली कली के लिए। बड़े भाई का जाना जो है ना, जहां आपने 30-35 साल जिंदगी गुजारे हो, वहां से जाना किसी को भी कष्टकारी हो सकता है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है, अनिवार्य प्रक्रिया है, जो आएगा सो जाएगा, चाहे वो संसार में आया हो चाहे वो सास की सेवा में आया हो। मेरे लिए अनुभूति का एक बहुत ही विरल पल है, ऐसे जीवन में पल बहुत कम आते हैं। आपकी सबसे बड़ी जो खासियत है, आपने भी कई बार महसूस की होगी, वो है आप बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति हैं, और सबसे मुश्किल है सरल होना और सहज होना। आपकी कार्यप्रणाली भी बहुत सहज, आपका काम करने का तरीका बहुत सहज, इसलिए लोगों की जो सद्भावना है और आशीर्वाद मिला, उसका जो पुण्य है वो ये है कि आपकी 3 संतानें हैं और 3 संतानों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ बहुत ही विलक्षण हैं। आपके सबसे बड़े बेटे ने IIT से BTEC किया, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की अधिकारी हैं। बेटी है वो MBBS MS डॉक्टर है, जो दामाद हैं वो भी डॉक्टर हैं। छोटी बेटी ने बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की क्लैट लॉ एंट्रेंस टेस्ट पास किया, वो भी LLB करके आगे चल के निश्चित तौर पर जज बने। तो अच्छे कार्य का यही नतीजा हुआ। मैं उनके परिवार सहित बहुत उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें 100 वर्ष की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। अब तक वो दूसरों के लिए जीते रहे, अब वो अपने लिए जिए, उस समय अपनों के लिए निकालें, क्योंकि सास की सेवा में कई बार हम समय नहीं निकाल पाते, दूसरों के लिए हम हमेशा जीते रहते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मेरा हार्दिक अभिलाषा है कि जीवन में मुझे रसाने का हमारा जो आज अलगाव है वो औपचारिक है, भविष्य में वो उसी अधिकार के साथ जिस अधिकार के साथ अध्याय बैठे हुए हैं कभी भी जनपद में आए, उनका हमेशा स्वागत। धन्यवाद। मैं थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा 5 वर्ष मैं आज इस मंच पर हमारे साथ श्रेष्ठ तिवारी हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। हमारे बचपन के साथ जो आज टीवी सेवानिवृत्त हो चुके हैं रेलवे से, सेवानिवृत्त के दौरान जो भी अनुभव है, मैं शुरू से 1964 में मेरी पैदाइश, 1 सितंबर 1964 में मैं पैदा हुआ, एक ग्रामीण प्रदेश में मैं कहा जो डिस्ट्रिक्ट गोंडा में, गोंडा से मैं करीब 80 तक गांव के ही कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई लिखाई हमारी हुई। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं बाहर निकला, 84 में मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कम्प्लीट, 84 में बेरोजगारी की स्थिति में मैं एक इरीगेशन डिपार्टमेंट में एडहाक पर मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ पर 1 साल काम करने के बाद
परमानेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उस काम को छोड़ करके मैं बिजनेस लाइन में चला गया। उस बिजनेस लाइन में करीब मैं सी कटेगरी का कॉन्ट्रेक्टर बन गया, उसी इरीगेशन डिपार्टमेंट। चार साल ठेकेदारी करने के बाद 22 दिसंबर 1988 को मैंने UPSRTC ज्वाइन की। UPSRTC में मैं विभिन्न पदों पर रहा। मैं सीनियर फोरमैन ग्रेड वन से 2001 में वहाँ से रिजाइन किया। 2001 से इस सेवा में जुड़ा AJRI। मैंने लखनऊ से स्टार्ट किया। लखनऊ में मैं 5 साल RI रहा। इसके बाद 2 साल आगरा में रहा। आगरा से मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन पर मैं इस बात का सौभाग्यशाली हूँ, पहली पोस्टिंग हमारी सर की सेवा में श्री सुदेश तिवारी के ने ज्वाइन हमको ज्वाइन कराया है AJRI, और इन्होंने कम से कम हमको 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, और वो उस ट्रेनिंग का आज भी मैं लाभ उठाया। करीब 22 साल हो गया नौकरी करते हुए, मुझे कहीं किसी भी जिले में कोई प्रॉब्लम, कोई किसी बात की समस्या नहीं हुई। औरैया में लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। 3 वर्ष में मुझे कोई किसी टाइप की कोई बहुत परेशानी नहीं आई। यहाँ के मोटर मालिक और जितने मीडिया के कर्मी, प्रेस वाले, प्रिंट मीडिया, हमारे जितने भी और अन्य सहपाठी, स्कूल के मालिक, ये सब उन्होंने बहुत सहयोग किया। विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों में हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चले कि जिससे हमें कहीं किसी भी टाइप की कोई समस्या जिले में नहीं हुई। और 3 साल के बाद आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। आपके इस जनपद के सभी समस्त वासियों का, सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो भी जब भी मैं कभी आऊँ तो हमको उसी प्रेम के साथ आगे भी दिखाई पड़े, और जब भी हमारा कभी फ़ोन आए किसी के पास तो फ़ोन ज़रूर उठाए। ये आप लोगों से अनुरोध है।